रामा श्यामा आवजो। और कलयुग भेद करूर धनी अर्ज करूं अज मालिरा, मारो हेलो सांबड़ी जो जरूर। रामा कहूं राम देव, तो हीरा कहूं कि लाल, जाने मिलिया बाबो राम दे, जाने पल में की नान्याल। हर जी ने हर मिला और आडे मारग जो, अरे पूजन दीनो घोड़ लो बाबा दूध पी बनने गा। चौमासेरी टाइम में घेरी घेरी बिरखा बरसोड़ी, राजा अजमाल जी विचार करियो कि अगर सुबेरी टाइम में वन में जाओ तो अपर आस औलाद कोनी ना दाढ़ी मूछे, तो अपर सुगन गांवरा थोड़ा मोड़ा मोनी। आज अंदर अंदर हलो क्योंकि बुधवार बारे लोग अड़ोतियों करने जाई। राजा अजमाल जी महाराज लोटो ले पर अंदर अंदर जावे, इन्हें गांव रे किसाना विचार करियो के बाईडा सुबह आज अजन दे अजमाल जी कटी हम मिली, और अजमाल जी रे होगन होए जने पछे धन होयो न वाडियो, क्योंकि माने ना तो कोई आसुला दे ना कोई बात, और बां जी रे होगन होए जने भाई धन होए कोनी। तो कई जना विचार करियो तो अपन अंदर अंदर हलो जको टेमो दिन होगी जेड़े खेत पहुंच जाओ रड़ोतियो कर लेओ, तो इन्हें गांव रा किसान लोग बड़दों ने टोरीड़ा हड़ खांदे गालीड़ा आवे, इन्हें अजमाल जी मरा लोटो लीडर अंदर अंदर ही हम मिल गया गांव रा के लोसा बाइरो कर्म रोंडियो जने कई करे कई पौंडियो। ये तो बखावटे रे तैयार जी मिली आपा लुकता फिरो आऊं, अरे तो अंदर अंदर ही तैयार लगा भाई। अजमाल जी मरा देख और गांव रा किसान पाछा जाऊं लगा हुए थे, अजमाल जी महाराज कहवे रे भाई थे पाछा क्यों जाओ मने बताओ। गेरी गेरी बिरखा वाया थे पाछा किया जाओ, गेरी गेरी बिरखा वाया रे थे पाछा किया जाओ, अरे मानी सा छोड़ी रे बात बताओ जियो, ये साथी बताओ जियो, खमा खमा खमारे कमारे साजी मालरा रोनी चेरा राजा हिलो सांबलो जियो, ये वारी 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 ओरा जी महाराज कहवे, अरे गेरी गेरी बिरखा थे पाछा की कर जाओ, मने हाची हाची बात बताओ। बोले भाई थे पाछा की कर जाओ, तो गांवरा विचार करियो राजा है इन्हें ओड़ो दे नहीं सको। बोले सा कोई के मैं बीज भूल गया, कई के बड़नोरी जेवड़ी भूल गया, कई के महाराज हाल भूल गया, तरह तरह ओड़ा वाले। अजमाल जी महाराज के थोने हाथों गुना माफ है, हेज की बात बताओ।
तो राजा ने आबाद केनी दी मत केरी बड़े कोई नहीं कह सके। पर राजा हाथ जोड़न रूबा रहे अजमाल जी महाराज के थोनी हाथों गुना मापे है जी की बात बताओ ते पाजा क्यों जाओ। तो एक कोई भाईड़े हिम्मत करी बोले महाराज कह तो हूं दो देरी नहीं करो तो बोले तने सातों गुना मापे है जी की बात बता। तो वे टाइम अजमाल जी महाराज ने क्यों लागो अरे थे तो अजमल जी पीरा बांझिया कही जो अजमाल जी महाराज रो मुंडो उतर के विचार करियो वारे विधाता गांव रो राजा हूं फिर भी सुबह सुबह गांवरा मारो मुंडो नहीं देखे। अजमाल जी महाराज लोटो उंदान पाछा जावे और मेणा देवी पूछियो हे पति देव ग्याज रो तो थे चेल के में हा आया जने मुंडो काळो की के पड़ियो बोले हे रानी बोंजियो केवे मारो मुख नहीं देखे माने बोंजियो के हेगलाई मारे औलाद को नहीं जिके वास्ते इन वास्ते मने तो मरनो चोक होय। रानी के राजा उदयास मत होना आप हर साल बारे बार द्वारकापुरी जान आया एकर मारे के नो और जाना होते। राजा अजमाल जी महाराज केवे बटे काई काम जाऊं द्वारका में एक पत्थरी मूर्ति है और दुनिया बटे दंडोत करे ना बा पत्थरी मूर्ति बोले ना कोई जवाब दे तो बार बार बटे कहीं कम जाऊं। बोले पति देव मारे के नो एक बार और जाओ जाओ तो रानी मोती चोरा लाडू बना दिया। अजमाल जी महाराज रानी के नो एक बार और जावे धर को जाओ धर पगलाओ धर को जाओ धर पगलाओ करता करता ठेठ द्वारकापुरी पहुंचे दिन रो बदौन और सामने से राजा अजमाल जी महाराज द्वारका जावे उठे पुजारी विचार करी दे तो अजमाल तो रोज गोदा ठोके दे हेलो मंदिर बंद करो नींद रहो बड़े दो चार घंटा टाइम खराब कर। अजमाल जी महाराज ने एक और गेट बंद करे हुए थे। अजमाल जी महाराज के वेरे पुजारी मैं ठेठ राजस्थान पैदल चाल परो रायो तू मने देखकर मंदिर बंद क्यों करे भाई मंदिर खोल मने भगवान रा दर्शन करना। बोले नहीं अब अगर दर्शन करना तो सुबह 4 बजे होई नहीं पहला नहीं रे। अजमाल जी महाराज विचार करियो वारे भगवान इता माड़ा कर्म करिया मैं जको गांव रत मुंडो देखे कोनी पण थोई नहीं देखनो तवे आडो बाणो ढक्यो है। अजमाल जी महाराज विचार करे और भगवान ने अरदास करी कि हे भगवान का तो दर्शन दे दे नी दे पेड़ी माथे ई पागो जोर माथे मा तो फोड़ फोड़ मर जाऊं पण पाछो जीव तो गांव नहीं जाऊं क्यों गांव में मने मुंडो नहीं देखे। अठे तू ही मारो मुंडो मोड़ियो बैठो बैठी जा बाप हमें दूजो कोने। तो कोई टाइम अजमाल जी महाराज भगवान ने अरदास कर लगा तो भगवान भक्त मत कृपा करे और कहीं केवे अरे तड़के ताला टूटिया ने भरगे भरगा द्वार तड़के ताला टूटिया ने भरगे भरगा द्वार अजमल बिन दर्शन प्रभु दीनारे अजमल बिन दर्शन दीनारे अजी तड़के ताला टूट गया ने भड़के खुलिया द्वार मंदिर का गेट आज कर ताला तड़ा तड़ टूटना शुरू हुआ और गेट खुलिया ऑटोमेटिक
अजमाल जी महाराज भगवान का दर्शन करिया और अजमाल जी महाराज मूर्ति आगे जा दंडोत करे बोले महाराज हे भगवान थे तो गटगटरा वासी हो और मारी मनरी बात लखो ए सवैया गांव रा किसान लोग भी मारो मोड़ो नहीं देखे आज तने तो बोलन जवाब देनो ही पड़ी बार बार अजमाल जी महाराज भी मूर्ति आगे बोले बोले बोल समरा बोल मने तू आज जवाब दे तो बा पतरी मूर्ति का जवाब दे अजमाल जी करे मोती चूरा लाडू हुकुड़ा री आई और थेले मो लाडू काट हमो फेंक्यो मूर्ति रो कोंदरो खंडित कर दियो और मूर्ति ने इज्जत ही खंडित कर दी और संघन टिकोरा नगारा फेंकना हरू करिया विचार करियो कोई पाखंडो पड़को रो पीड़ो भगवान रे है कौन रात भर अजमाल जी महाराज पगा माथे उभा रहे सुबह 4 बजे टेम पुजारी आवे तो पुजारी जी ने संघन टिकोरा पागो जो नीचे आबी जावे हम पुजारी विचार करी रे बेटो यो कहीं ताला ही टूट गया ने भगवान रो मंदिर खुल गयो अरे समान हैंग बारे दू पाड़ियो आवे आगे अजमाल जी महाराज ने देखे और पुजारी विचार करी बेटो अजमाल आज भक्ति रे मैंने पग लोग के कोई फर्क नहीं है अजमाल जी महाराज ने कह रहे अजमाल हो कहीं करियो भगवान री मूर्ति खंडित कर दी ओए टीम अजमाल जी महाराज तलवार काढ़ी और कहवे हर का तो पुजारी थारो रामयो बता दे का तो पुजारी थारो रामयो बता दे अरे का थारी मोटड़ी आई पुजारी विचार करियो होले होना पग लो गया साहब भक्ति में कोई फर्क नहीं पुजारी कहवे हे अजमाल जी महाराज भगवान मंदिर में कोरे नहीं भाई तो भगवान तो इस समुद्र में रहे बोले क्यों भाई अरे गर्मी घनी पड़े अजमाल भगवान समुद्रिया में रहे बटे ठंडी ठंडी ले रहा आवे अटे गर्मी घनी पड़े और समुद्र में ठंडी ठंडी ले रहा आवे इन वास्ते भगवान समुद्र में मैया विराजमान हुए पुजारी विचार करियो अजमाल जी समुद्र में छलांग लगाई और छलांग लगाई जन मरनो पड़ी वहां मरी जन अपन कोई जवाब देना पड़े कौन अजमाल जी महाराज के वेरी पुजारी मने बता भगवान किन जगह समुद्र में रेवे तो पुजारी जी बतायो जते पानी रो घणो भंवरो पड़तो अरे भंवरा री जगह ले गया के हूं अठ डबीड गाज रे पास नहीं आवे बोले अजमाल जी महाराज भगवान अठ देवे अजमाल जी कह रहे पुजारी मो बुरो काम मारो पड़ियो भले के नहीं मिली आटे का मारो पापो काटनो चाहे के देखा पुजारी के नहीं महाराज तो अरे इन रे खांडी में अजमल पीपो जी ने मिलिया इन रे खांडी में अजमल पीपो जी ने मिलिया अरे द्वार करो नाथ ये तेरे द्वार करो Hey.
इन रे खाड़ी में अजमाल पीपो जी ने मिलिया जात्रा छिपा पीपो जी वहां छलाक लगे जने भगवान वाने मिलिया समुद्र में इन रे खाड़ी में अजमाल पीपो जी ने मिलिया द्वारका रो नाथ अठे रेवे अठे भक्तों ने कहियो ने मिलिया है तो आप नहीं मिली आप छलाक लगाओ ने बली अजमाल जी महाराज भक्त री बात माते विश्वास करियो बोले भगवान रो भक्त तो झूठो थोड़ी बोले भगवान हेदरी बापड़ो केवे पण अजमाल जी महाराज केवे चाहे कठी वे भगवान आज मिलियो मिले नहीं जाऊं अजमाल जी महाराज भक्त री बात माते विश्वास कर और समुद्र में छलांग लगावे और कहीं देखो समुद्र में पड़े अजमल कूद पड़े दिरिया अजमल कूद पड़े अजमाल जी महाराज भक्त की बात मत विश्वास कर अजमाल कूदे पड़े त्रिया वन में जब समुद्र में छलांग लगाई जई खेत तड़े पहुंचा तो भगवान ने दर्शन भक्त ने देना पड़िया शेष नाग में भगवान श्री हरि विष्णु भगवान पौड़ीड़ा चार भुजा धारण कर और माता लक्ष्मी पग चौंपनी पड़े जई अजमाल जी महाराज पर दृष्टि पड़ी उन्हीं टाइम अजमाल जी महाराज दाढ़ी और मूछा दोनों आई और अजमाल जी विचार करियो ओहो भगवान तो उठ बैठा हलो अजमाल जी नड़ा जावे तो विचार करे बेटो भगवान रे माथे पर पार्टी की कर बजुड़ी भगवान को कोई लोटो बड़े है तो करी जो भी और गिरारी बोड बोड गियो एड़ो कोई न कोई है तो करी अजमाल जी महाराज विचार करियो और भगवान के हे महाराज कोई बात है भगवान के बोलो अजमाल जी कई बात है के मारी बात तो थाने ढाई जे कोई छानी है कोन पण मने लागे के थाऊ ऊपर लो कोई है तो करी के क्यों भाई तो थारो मा तो फोड़ गयो गिरे यार आपरे माथे पर चोट की के लागी अजमाल जी महाराज ने भगवान हसपरार केवे अजमाल जी महाराज थाने ठाक कोन बोले मोने बताओ अरे भोले भोले भक्त अजमल लाडूड़े री मारी ए भोले भोले भक्त अजमल लाडूड़ा री मारी मारे माथे ऊपर चोट केरी आई माथे ऊपर चोट केरी आई रे अजमल दीदा कमरा अजमाल जी महाराज पूछियो तो भगवान क्यों ही अजमाल अरे भोले भोले भक्त अजमल मारे लाडू डारी मारी माथे पर चोट गेरी आई भाई कोई भोलो भगत हो भूकोड़े लाडू रो बठीड़ मारी और माथे पर लागी भाई
अजमाल जी विचार करियो भगवान लाडू बटी तो मैं ही मारियो बोले तो जने पछे पण मैं तो मारा बाप जी उन मूर्ति रे मारी मैं तो ये पत्थर री मूर्ति री मारी और आप रे चोट की लागी बोले हे अजमाल कण कण और रोम रोम में मैं व्यापक हूं और बिना मारी अगर मैं मूर्ति री मिले नहीं बिराजू तो पछे तो मोहन को की करावे खेला अजमाल जी महाराज कहे महाराज मारी गलती होगी आप अंदाता हो आप रे मारी गलती आप रे जाज मिटे दो महाराज और मने क्षमा करो तो भगवान कहे अजमाल जी महाराज बोले अजमाल की कराया मने बताओ अजमाल जी कह रहे सांवरिया से तो बातों यूं पूछे जहां थारे कोई ध्यान मिच कोन थे तो गटगटरा वासी महाराज आप हो कई छानी बात है और आपने पतो है कि गांवरा किसान गांवरा लोग भी मारो मुंडो नहीं देखे हे महाराज एक मने बेटो दो पण महाराज बेटो दो तो मने आप रे जोड़ो दो तो को तीनों लोका में मारो ना हुए भगवान के अजमाल मारे जड़ तो मैं एक ही जूं दूजो मैं कटो लाऊं बोले महाराज दो जने तो आप रे जड़ो दो नहीं जने पछे हने है जो ठीक जी तो अजमाल जी महाराज ने भगवान के जाओ अजमाल जी थारे गिरे नवे मेने पुत्र जन्म जी के नाम ब्रह्मदेव रखा दिया बोले नहीं महाराज आप कदाओ मने बताओ आपने हणो पड़ी मारे गिरे भगवान भक्त रे आगे आदीन हो गया और कहे अजमाल जी मैं ही थारे गिरया हूं बोले कद आओ मने तारीख बार बताओ तो मैं भी कोड करूं आपरा भगवान कहे रे अजमाल तू विश्वास कर जिन दिन हूं थारे गिरया हूं उन दिन थारे कोपुरा पगलिया पूरे महल में मन जाई और पानी रे पलिंडो है पली नेर मेरे दूध रा माट भरी डाला दी तने बोले नहीं महाराज आओ कद वो बताओ मले भगवान के मन लगा अजमाल जी ने भादुड़े री दूजिरो और चंदो करे परकाश राम देव बणया वसु तू राखी दे विश्वास हे अजमाल जी महाराज भादुरी दूजरो जग चंदो करे प्रकाश रामदेव बनाओ तो तू राखी मन में विश्वास भादुआ सुदी दूजरो में थर गिरे आऊं थोड़ो आत्मा में विश्वास राखी हमें आप पधारो आपरे गांव और मने माला मणियो करंडो बोले महाराज मैं हम समंदर की कर जाऊं बोले ले भगवान मनसा रूपी एक भूख मारी ठेठ पाछो मंदिर आगे छोड़िया और अजमाल जी महाराज हदा द्वार का जवन पकड़े छाला हो जाने गोडो ने छाला हो जाने पकड़ के फाड़ जवन पण उन दिन तो भाई नाटा दवे और मुंडे माते छेड़ को मैना देजी खने पहुंचिया और मैना देजी पूछियो हे पति देव आ तो एक कोड घणा करो काई बात है बोले आज भगवान की कृपा हुई है अपरे नवे मेने पुत्र जल मिला रानी के राजा मैं आपने कहो कि भगवान जोई भक्त रे घरे भगवान अबे पण देर है अंधेर नहीं है अंधेर नहीं हो सके देर हो सके तो अजमाल जी राजा अजमाल जी के नवे महीने ब्रह्मदेव जी रो जन्म होयो तो होनेरी थालियां बाजी सोनेरी कटारी नाला मोड़िया सखियों मंगल गाया मादन दी फुलमाला लाया और अजमाल जी मुराद रे मुंडो उतरडो बिटो रानी विचार करे दे हमें तो बेटो योगियो लोग गांव रा मुंडो देख के जड़ा हो गया और हमें थारो मुंडो बड़े पीकर भूजियो कहियो हे राजन काई बात है बोले नहीं रानी क्यों ही मुंडो उतरियो के नहीं पति देव हमें थारे कोई बांझो नहीं कहे क्योंकि थारे गिरे खुद रे बेटो होयो बोले चाहे कहीं हुए अजमाल जी महाराज अड़ी के भगवान ने के भादो कने लागे भादो कने लागे कद भगवान आवे तो 3 मिनट बाद में भादो लागो और दूजरो चांदनी दूज ब्रह्मदेव जी पादरी ने पहुंचड़ा मां मैना देवी रसोड़े में काम करे बाबा रामदेव जी महाराज ब्रह्मदेव जी जेड़ो जेड़ो रूप कर परार भी पादरी नजार ब्रह्मदेव जी भिड़ई हो गया और रानी विचार कियो कि छोरो रोयो कोनी उठ गयो कि नहीं उठियो खुदा मीना नहीं ले गया आप पर देखे तो पादरी ने एक ही जेड़ा दो टावर होगा मैंने दीदी विचार की लो साहब मैं मोहल्ले मोटिया ने टावर और कोट लागो जो पड़ जा लाल और होना हरू करिया रोकम हसो हो दासी लेके जा दासी राजा ने बोला अजमाल जी महाराज ने कहे हे पतिदेव ओ टावर किनो नार होनी होटे बोले मैं होनी बोले तू जो कौन होने हने टिंगर और कोट लागोडो हमरो बगड़ी बोले रानी मैं नहीं ओए टाइम अजमाल जी महाराज ने याद आई कि आज भादुरी दूज है
दासी ने कहो जादी पूरे महल में कुंकरा पगलिया मलुड़ा है गई पली ने देखी काई है दासी पूरे महल में देखे तो कुंकरा पगलिया मलुड़ा पली ने में दूधरा माट भरड़ा दासी यार कहो ही राजा पूरे महल में कुंकरा पगलिया मलुड़ा और पली ने में दूधरा माट भरिया। अरे मैना दीदी पूछियो मने बताओ तो करियो टावर किनो है। अजमा जी महाराज हसबरार जवाब दिए बोले रानी अरे गेली गेली नारी तू तो गेली बात करे गेली गेली नारी तू तो गेली बात करे क्यों द्वार करो ना भगवान आपो आप पधारिया ओए टेम मैना दे जी बाबा रामदेव जी महाराज ने पूछे कौन तेरी मात कौन तेरो तात कौन तेरो भ्रात कौन तेरी जात कई तेरो नाम बाबा रामदेव जी महाराज कहे मैना दे मात अजमल मेरो तात ब्रह्मदेव मेरो भात तवर मेरी जात और रामदेव मारो नाम के बाबा हे माता मैना दे जी ने कहे आप ही मारी माता हो अजमल जी मारा पिता है और ब्रह्मदेव मारो बड़ो भाई है और तवर वंश रमिने में अवतार लियो आपरो में बेटो कही जो बेटे मैना देजी के वाह भाई वाह भगवान री बड़ी भारी कृपा हुई और भगवान अवतार किन बात लियो के पिछम धरा में मेसरी बाणिया में भूतड़ा जाति में घरो राक्षस हो गयो बारे बारे कोसरी में मिनखारो जिनो आराम कर दियो इन वास्ते भगवान जब जब हो तो धर्म की आनी जगह धर्म री आनी वे परमात्मा ने कोई कोई रूप में अवतार लेना पड़े और पाप रो विनाश कर और धर्म की रचना करनी पड़े भैरुडेर वध करने वास्ते बाबा रामदेव जी महाराज रो पिछम धर्म में अवतार होयो ओंटे बाबा रामदेव जी महाराज 5 साल रहया 10 साल रहया और एक दिन बाबा रामदेव जी महाराज ब्रह्मदेव जी और बोही तो बोणियो एक स्वार से सुतार गांव रे किनारे दड़ी रे में और दड़ी रमता बाबे ने विचार हो रे अठे बालीनाथ जी महाराज जी कुटिया में भैरुडो राक्षस आवे हालो आज भी वो पापो काटो बेरी बेरी दड़िया रमता रामदेव जी और मन में एक बिचारी भैरवरे भवकारिणे अरे दुख पावे नर नारी दड़िया रमता रामदेव जी मन में एक बिचारी अरे ढेर वरे भव कारणे दुख पावे नर नारी। तो बाबा रामदेव जी महाराज दड़ी रो जोरदार दूटो मारियो बाली नाथ जी महाराज री कुटिया हमी जाओ ते दिखी बाबा रामदेव जी महाराज स्वार्थ सुधा ने कह ले भाई दड़ी लेना स्वार्थियो के क्यों भाई मैं तो मारे मां बाप री एक ही जू अरबटे जाओ ढोणी में तो भैरू राख सबे मन मार दई जना तो बोई ते बोणी ने के तू जा बोले मैं कोई 10 बारे थोड़ी हूं मैं एक ही जू मारी मारे इन वास्ते भाई रे मारो नहीं जाई थे रामदेव और ब्रह्मदेव दो हो थारमो एक आदने भैरू खाई तारे एक तो रही थई जाओ मारा दड़ी फेंके जको जावे
तोहन टीम बाबा राम जी जी महाराज दिनो बदौण और रवानी हुए मैं अंदर ही रात अंदर ओपरियो ने बालीनाथ जी महाराज री कुटिया में पहुंचया तो बालीनाथ जी महाराज कह रही बालक फुर्ती करे तो जातो रे तने ठाक होली अटे कौन वास्ते आयो बोले महाराज मारी दड़ी गमगी अरे गेला दड़ी रे खातर तू मौत रे मुंडे में आ गयो फुर्ती कर जातो रे बोले महाराज आप साधु हो और मैं बालक हूं आप मारे माथे पर हाथ रख दो फिर मने कोई तरह डर लागे नहीं वे टाइम बालीनाथ जी के लिए दोनों हाथ रख दो बोले मेरा की दियो ने एक शब्द ही दे दो आप मारा गुरु बन जाओ बालीनाथ जी महाराज विचार करियो के दी दीवार नकी करो फुर्ती कर घरे जावे जा और वे टाइम बालीनाथ जी महाराज के ले बेटा हमें जातो रे वे टाइम बाबा रामदेव जी महाराज के महाराज मैं अंदर ही रात तारा पड़पड़ाट करे जो बिजली पड़पड़ाट करे अरे जंगल में शेर चीता न्यार गना मैं टाबर हूं और मैं कट जाऊं बोले बालक अटे शेर चिताई जे और अटे वो बेरुड़ो राक्षस ने खा जाई बाबा रामदेव जी के महाराज रात अंधारी बाबा मार गियो न सूजे रात अंधारी बाबा मार गियो न सूजे छोड़े बोले महाराज मैं टाबर हूं और आपरी शरणागत में आयो तो आपने बचाना पड़े बालीनाथ जी विचार करे हे भगवान अब मैं जाऊं कटे ई टावर ने एक लोई काट नहीं सकूं और अगर एक लेने काटू तो शेर सीता खा जाएगी एक लेने काट नहीं सकूं और अठे राख नहीं सकूं करूं कहीं तो बेटे बालीनाथ जी महाराज को देख बेटा ई कुटिया में फाटोड़ी भूदड़ी पड़ी है बा ओड़न हो जा पाड़ो मत भरी ना भेरुड़ो आवे जे टेम बोले महाराज हाई कोलो थे मो हण तो करी बाबा रामदेव जी महाराज ने मोह होण ने फाटी गुदड़ी एक बोरो वेजो माते नकी बोले बेटा हां माते बोले बाप जी थोने के दी पाड़ो जी भरू अबे बाबा रामदेव जी महाराज होता आधी रात में घरड़ो राक्षस आवे और कह रे बाबा थारी कुटिया में मनुष्य बसे रे बाबा थारी कुटिया में मनुष्य बसे आ थारी कुटिया में कोई मान कोए बालीनाथ जी कह रे दृष्टि बारे बारे कोस रे मिन को छोड़ी न थई जो गई हर मारी कुटिया में तो कोई जात्री नहीं आवे क्यों थारे जड़ो दुष्टि पाप पोने पड़ीड़ो मारे बोले बाबा सच्चो बता हाची बता दीजिए बाबा सुबह होकर नाश्तो नहीं मिलियो मैं थारा तो भीड़ बुलाई दी बालीनाथ जी महाराज के खाले जो लारो छुटे मोड़ो ही चिनी चिनी मौत न हो देखे हाथ मौत चौकी भाई रोजी ने धमकियों दे एक आधा वही जाती की जाई कर दे बालीनाथ जी महाराज ने देख तो और बाबा रामदेव जी विचार करियो रे आनी को दुष्टि पापी गुरु महाराज तो झपट कर ले अब समझ लियो तो गुरु रक्षा करना परो धर्म है और वे टाइम बाबा रामदेव जी महाराज होता होता ही कहीं देखो चंचलाई करे सही ने अरे सुता सुता रामदेव जी गुदड़ी हलाई ये गुदड़ी ये देख
बाबा रामदेव जी महाराज रुणीचो बसायो कवि हरदी हरदी पाटी
कहीं बाबा जी कथा गई और कहे अरे घरुड़े निगाड बाबा रोणी चो बसायो घरुड़े निगाड बाबा रोणी चो बसायो अरे बाकी रे करो दसी गायो अरे जी बाकी रे करो दसी गायो रे अजय माल मेरा कम अम्मा कम्मा वो दनिया रोणी ते दादनिया खाने तो धावे आखी मारियो अड़ियो आखी गुतिरा तेरे पवन सुत हनुमान की सियावर रामचंद्र भगवान की